पूजा पाइबे माँ लक्ष्मी सांतानी। सेने गुरुवार रे नीलगिरी पहुंचला माँ को विग्रह। भव्य स्वागत पूजार्चन प्रकम्पित है पूरा परिवेश। भजन कीर्तन सह शंख घंटा घंटा और हुलहुली माँ को विग्रह को पाछुटी नहीं भक्त और श्रद्धा। माँ को पाखरे पाई खुशी अश्रुलोचन हो जाए भक्तों। छक छक भक्त और श्रद्धालु शंखध्वनि और हुलहुली सुस्वागत करुथिले माँ को। छोट पिलांक आरंभ कर बड़ पर्यंत समस्ते खुशी झुमिथिले। बाण रोशणी प्रकम्पित होता नीलगिरी। नीलगिरी राणी साहिबा और तांको पुत्रवधु दुहे माँ का प्रतिमूर्ति को पूजार्चना पर जगन्नाथ मंदिर परिसर को प्रवेश कराइथिले। जेमिति नारीटिए बिना पुरुष अधा सेमिति नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर रे माँ लक्ष्मी सांतानी को बिना अधूरा थिले महाबाहु। जगन्नाथ मंदिर रे बड़ भाई बलभद्र भौणी सुभद्रा महाबाहु जगन्नाथ पूजा पाउथिबा बेले तांको डाहाण पार्श्वरे माँ विमला पूजा पाउथिले। किंतु मंदिर परिसर रे माँ लक्ष्मी को स्वतंत्र मंदिर टिए नथिला। नीलगिरीवासी तथा भक्त श्रद्धालु आशा और स्वप्न थिला मंदिर टिए हुंता कि आउ केटा दिन परे प्रभु को कृपारु माँ लक्ष्मी विराजमान हेबे। माने गोटे आध्यात्मिक भावना आसे तापर गुरुवार से आम घर को आसु आम शख बंदापन आपरे स्वागत कलु से बस खुश लगे। हाँ सब मंदिर एक्चुअली लक्ष्मी मंदिर रहा कथा तो आम जगन्नाथ मंदिर नाला तेणु समस्त मानने गोटे आशा और विश्वास गोटे हम तो सही तो समस्त खुशी अच्छे। आम माँ लक्ष्मी विग्रह प्रतिष्ठापी विग्रह आसला तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी को नीलगिरीवासी सहित मु बहुत खुशी अच्छे। आम समस्त बहुत खुशी अच्छे। ये हूँ नीलगिरी समस्त जनसाधारण अत्यंत आनंद और उल्लास कथा। ए समस्ते सामिल होती समस्ते ये जो प्रकार गोटे भक्तिभाव जो गोटे प्लावन चली प्लावन में समस्ते आबाला वृद्ध बनीता समस्त योगदान कर समस्ते एत उल्लसित होती कह भाषा शब्द भितर सीमित रहा आउ दुई दिन परे तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी जगन्नाथ मंदिर रे पूजा पाइबे माँ महालक्ष्मी। 31 तारीख रे राजाराणी का प्रथम बंदापना पर सर्वसाधारण पाई दर्शन देवे माँ महालक्ष्मी। आज से भक्तर डाक सुनी प्रभु जगन्नाथ पार्श्वरे माँ लक्ष्मी सांतानी को पाई महाबाहु भी खुशी। अन्यपटे माँ को पूजार्चना आराधना कर भक्त टीए भी हेब खुशी। आसंता 28-31 तारीख मध्ये माँ महालक्ष्मी मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव पालन हो। श्री सुदूर तृतीय श्रीक्षेत्र श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर माँ को नूतन मंदिर नथिला। माँ पूजा पाउछन्ती महाप्रभु पाखे प्रत्येक दिन एवं रोषम माँ द्वारा संपन्न होता है। माँ रोष कले जा प्रभु खाइबे तो गोटे स्वतंत्र मंदिर माँ को नथिला। आज जो नूतन मंदिर है से लोकों भितर उत्साह उद्दीपना मान घेरी आपण मैंने देखुए जनसमुद्र आज सत्य जमी लगुच गोटे रथयात्रार गोटे परिकल्पना आसी जमी रथयात्र बहुत लोक आसती बहुत भक्त दर्शन करते आज सरकम माँ को टे दर्शन पायापी लोक आज सत्य जमी नीलगिरी माटी पवन पाँ समस्ते व्याकुल मंदिर निर्माण हम आ माँ महालक्ष्मी को आम दर्शन पाइबु केवल जगा बलिया भौणी सुभद्रा दर्शन कर फेरुचु माँ महालक्ष्मी को कौटी दर्शन करू नीलगिरीवासी खाली नुहे अगणित पर्यटक जिते आसुचार पर्यटन ऋतु से ये मंदिर निश्चित भाव देखी सारा ओडिशावासी निश्चित गौरवान्वित मन करेंगे आजक पवित्र मन करेंगे पुण्य मन करेंगे। बहुत दिन समस्त गोटे मनस्कामना पूरण है गुरुवार दिन माँ आम घर आसिले सब नीलगिरीवासी घर को सी जमी आज तेणु आज ही शुभम भवतु शुभानी भवंतु आम भाविबा आम समस्त मंगल ही मंगल हम। प्रत्येक भक्त और श्रद्धालु भाव भावन केवे माँ महालक्ष्मी तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी जगन्नाथ महाबाहु पार्श्वरे पूजा पाइबे ताहा आज वास्तव में परिणत होगा जाऊ दुई दिन पर पूजा पाइबे माँ महालक्ष्मी। नीलगिरी प्रियनाथ बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।